यूपी चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को अयोध्या के रंग में रंग दिया। केजरीवाल ने अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर बने रंगमंच से ही अपनी पत्नी सुनीता और कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली की पूजा की। इस बार दिल्ली सरकार ने दिवाली समारोह के लिए हुबहू अयोध्या के राम मंदिर की तरह 30 फीट ऊंची और 80 फीट चौड़ी राम मंदिर प्रतिभा का निर्माण करवाया था। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित इस भव्य आयोजन में कई बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की। इस दौरान झंडे वाला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य श्रीकांत शास्त्री भी मौजूद थे। सीएम केजरीवाल ने इस भव्य आयोजन के बाद ट्विटर पर लिखा कि भगवान श्री राम जी का स्वागत दिल्ली के अंदाज में। साथ ही दिल्ली सरकार ने समारोह के बाद जारी एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दिवाली पूजा का नेतृत्व किया और उन्होंने दिल्ली वासियों के साथ साथ भारत के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन समेत आपके कई बड़े नेता दिवाली पूजा के लिए भव्य मंच पर एकत्रित हुए। वहीं इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना पर डांस परफॉर्मेंस से हुई। 3 मिनट से ज्यादा चले दिवाली पूजा के बाद मशहूर भजन गायिका अनुराधा पोडवाल और उनकी बेटी कविता पोडवाल ने महालक्ष्मी आरती की और इस आयोजन में 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा मंच पर रामायण पर बनी एक एनिमेटेड फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इसी सिलसिले में केजरीवाल ने पिछले दिनों अयोध्या का दौरा भी किया था और भगवान राम का आशीर्वाद लिया था।